पारमिता यानी द 10 परफेक्शंस और 10 पारमिताएं, जो कि पाली में पारमी कही जाती हैं। पारमी यानी पार ले जाने वाली वह बातें जो इस लोक से परम लोक तक ले जाती हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 10 स्टेप्स हैं। हम इनको कह सकते हैं कि इन 10 स्टेप्स पर चढ़कर मनुष्य बुद्धत्व तक पहुंचता है। इसको पाली में पारमी कहते हैं और इंग्लिश में परफेक्शंस कहते हैं और हिंदी में पारमिता कहा जा सकता है। व्यक्ति की परिपूर्णता और पवित्रता ही उसे इस लोक से ऊपर उठाती है और यह 10 गुण जिस भी भिक्षु में पूरे हो जाते हैं वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इस भवसागर में, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, वहां यह 10 परफेक्शंस, 10 परफेक्शंस या 10 पारमी बातों को अनदेखा सा किया जा सकता है, किया जाता है, क्योंकि मृत्यु लोक चलता ही इस तरह से है। इस मृत्यु लोक में यह 10 परफेक्शंस काम नहीं करते, यह संसार से ऊपर की बातें हैं। जैसे जैसे संसार से मनुष्य ऊपर की तरफ उठने लगता है, अपने आप को साधना में लगाता है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप में चढ़ते हुए वह ऊपर को बढ़ता है। उसके लिए इन 10 बातों को, इन 10 गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से बिना किसी टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं, कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ा जाए और जिसको जिसका पालन किया जाए। इन 10 परफेक्शंस को 100% फॉलो करना होता है। अगर वास्तव में हमारे अंदर वह जिज्ञासा है, जिज्ञासा ही नहीं, हमने प्रण कर लिया है कि इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, अब इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, जब इतना होश आ जाए और जब हम बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़े हों, तो फिर इन 10 पारमिताओं को हमें पूरी तरह से 100% पालन करना होता है। और कोई भी भिक्षु, कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु बिना इन 10 परफेक्शंस को फॉलो किए अधूरा ही होता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह 10 स्टेप एक पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए, जहां से परम निर्वाण तक पहुंचा जाता है, यह 10 स्टेप्स हैं। और इनको जिंदगी में उतारना एक अनिवार्यता है हर साधक के लिए, हर भिक्षु के लिए जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए निकल चुका है। यह 10 पारमिताएं कौन सी हैं? यह 10 या 10 परफेक्शंस कौन से हैं? पहला दान, दूसरा शील, तीसरा निष्क्रिय, चौथा प्रज्ञा, पांचवा वीर्य पारमी, छठा शांति पारमी, सातवां सत्य पारमी, आठवां अधिष्ठान पारमी, नवां मैत्री और दसवां उपेक्षा पारमी। यह 10 परफेक्शंस, 10 पारमी जो कि बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए बताई है, इससे मनुष्य का जीवन, भिक्षु का जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह फिर
संसार में रहता है कमलवत, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पानी में उसकी जड़ें होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, लेकिन कमल कीचड़ और पानी से ऊपर खिलता है। इसी तरह से एक भिक्षु का जीवन इस संसार में होता है, वह इसी तरह से खिला हुआ होता है। वह रहता संसार में है, लेकिन उसके अंदर यह 10 परफेक्शंस होती हैं, इसलिए वह इस संसार से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इन 10 परफेक्शंस न होने के कारण ही एक मनुष्य इस मृत्यु लोक में, इस भव लोक में, इस भव सागर में बार बार आना और जाना कर रहा है, क्योंकि यह 10 चीजें ही हैं जो उसको पूरा न होने के कारण बार बार उसको वो यहां से निकल नहीं सकता। उसको अगर यहां से निकलना है तो इन 10 पारमिताओं को पूरा करना होगा। तो बात करते हैं पहले पारमिता की, यानी दान पारमी, जिसको हम जेनरोसिटी भी कह सकते हैं। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है और बात की है, फिर एक बार और बात करते हैं कि बुद्ध ने भोजन दान, नेत्र दान, वस्त्र दान या अंग दान को बहुत महत्ता दी, सबसे बड़ी महिमा करी कही है, क्योंकि भोजन दान से एक मनुष्य को जीवन दान, उसका जीवन, उसकी उम्र भोजन पे ही टिकी हुई है, इसलिए भोजन का बड़ा महत्व है, इसलिए भोजन दान को बहुत ऊपर कहा गया कि भोजन देने से किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, उसको जीवन दान मिलता है, उसका जीवन चलता है। इसी तरह से धन के दान की बड़ी महिमा है। दान बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है, और दान के पीछे जो भाव है वह सिर्फ यही है कि जिस तरह से हमें इस जीवन को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है और शरीर स्वस्थ रखने की जरूरत है, शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने की जरूरत है, उसी तरह से हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है। तो इसमें मिल बांट कर जीने की एक आदत कह सकते हैं, या एक करीना कह सकते हैं कि मिलकर रहना। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और दूसरे को उसकी जरूरत है तो उसका काम चल सकता है, उसका काम चलाया जा सकता है, इससे मन निर्मल होता है, साफ होता है, क्योंकि ये सारी की सारी 10 पारमिताएं मन को निर्मल करने के लिए ही हैं। जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाता है वह इस संसार में कमलवत होने लगता है। तो इसीलिए दान कभी भी कोई प्रशंसा के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए नहीं दिया जाता, या दिखाकर नहीं दिया जाता कि मैं यह कर रहा हूं। दान तो एक भावना है कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा भी है, इसलिए जिस चीज की मुझे आवश्यकता है उसी चीज की दूसरे को भी आवश्यकता है, और यह आवश्यकताएं ऐसी हैं, मूलभूत आवश्यकता है जिन पर जीवन टिका हुआ है। तो हर प्राणी को दान देना चाहिए, जो भी हमारे सामर्थ्य में है, जो भी हम कर सकते हैं, हर प्राणी के लिए, प्राणी मात्र के लिए करना चाहिए। कभी भी दान को दिखाकर या उसके पीछे कोई ऐसा अहम भाव अगर हो तो वह फिर दान नहीं है, वह फिर दिखावा है, वह फिर लोकलाज और प्रतिष्ठा पाने के लिए किया गया है, तो वह फिर दान नहीं है। इससे मन की कंजूसी, मन में स्वार्थ की भावना, मन की कठोरता, मन की क्रूरता, यह सब
से बचा जा सकता है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का अर्थ है कि अपनी संकुचित अवस्था से, अपने दिल के संकुचित अवस्था से उसको बाहर निकालना, उसको खुला कर देना, उसको स्वतंत्र कर देना, अपने मन को स्वतंत्र कर देना, उसको ऐसा कर देना जैसे कि खुले आकाश में कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए, जैसे पक्षी पंख फैलाकर बैठा हो सर्दी में, सर्दी की धूप ले रहा हो सुबह की, उसी तरह से यह मन और यह दिल इतना खुला हुआ हो जाना चाहिए। यह भिक्षु के लिए बहुत जरूरी है। इससे अहंकार भी चला जाता है और इससे एक बड़ा दिल होता है, एक बड़ा मन होता है, स्वतंत्र मन होता है। इसलिए दान की बहुत बड़ी महत्ता है। मिल बांट कर रहना, मिल बांट कर खाना, यह भावना पैदा होती है। दूसरा, शील पारमिता। शील, सील ही पहला स्टेप हमने दान को लिया है, लेकिन सील इससे भी पहले से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सील के बिना तो एक भिक्षु, एक जिज्ञासु और एक साधक का मार्ग पर अभी उसका प्रारंभ ही नहीं हुआ, यह कहा जा सकता है। क्योंकि सील में वह सभी चीजें आ जाती हैं जो एक मनुष्य को इस संसार में फंसाने के लिए जो 5 चीजें मुख्य हैं, उनसे ही मनुष्य इस संसार में बहुत बुरी तरह से फंसता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसका मन कितना विकृत हो चुका है। उससे बचने के लिए पंचशील को फॉलो करना होता है, पंचशील का पालन करना होता है। जब भी कोई भिक्षु, कोई साधक जीवन की शुरुआत, भिक्षु के जीवन की शुरुआत करता है, इस जीवन को अपनाता है, इस जीवन शैली को अपनाता है, तो उसको सबसे पहले इन 5 प्रीसेप्ट्स को, पंचशील को अपने जीवन में उतारना होता है। क्योंकि भिक्षु का जीवन जब से भी शुरू हो, जब से भी उसके अंदर यह चेतना पैदा हो गई हो किसी भी मनुष्य के अंदर कि उसने अब भिक्षु का जीवन जीना है, उसने अब इस ओर, उस परम लोक की तरफ की यात्रा करनी है, तो उसको इन 5 बातों पर ध्यान देना होता है। पहली बात है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम। यानी मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम, यह पहली प्रतिज्ञा है शील की कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा किसी प्राणी के लिए नहीं करूंगा। बुद्ध का यह पहला शील का नियम स्वयं के प्रति और दूसरे प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देता है। हिंसा का समर्थन नहीं करना, हिंसा की अनुमति नहीं देना और किसी भी प्रकार की हिंसा, एक्टिव या पैसिव, ऐसा नहीं है कि हिंसा में, हिंसा को हम सिर्फ थोड़ा सा ही समझें। हिंसा का अर्थ यह भी है कि अस्त्र और शस्त्र का व्यापार नहीं करना। हिंसा का अर्थ यह भी है कि हमारी वजह से किसी जानवर की जान न चली जाए। जो लोग मांस खाते हैं तो उनकी यह दलील है कि
वह तो खरीद कर लाते हैं, वह तो पैसे दे कर लाते हैं, लेकिन सोचो अगर वो खाना ही बंद कर दें तो वह जीव मारा ही क्यों जाए। तो यह पैसिव, मार तो कोई और रहा है लेकिन इनकी वजह से मार रहा है ना। अगर ये खाना बंद कर दें तो वो मारना बंद कर दे। सोचो अगर किसी देश में प्राणी हिंसा पर पूरा प्रतिबंध लग जाए तो क्या किसी प्राणी को मारा जाएगा? जब प्रतिबंध ही लग गया, सरकार ने जब किसी भी प्राणी को मारने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर खाने वाला खाएगा कैसे? तो वो जानवर मारा नहीं जाएगा। तो हमारे वजह से जो लोग खा रहे हैं उनकी वजह से वो जानवर अपनी जान गंवा रहा है। तो इस बात को हमें विचार करना चाहिए। यह पैसिव हिंसा है, लेकिन हिंसा है, इसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की मानसिक हिंसा, किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा जिससे किसी व्यक्ति का धन का नुकसान हो, धन के नुकसान किसी का किया जाए, वह भी हिंसा है। उसको आर्थिक हिंसा हम कहते हैं। और वैचारिक हिंसा भी होती है कि हमारे विचार दूसरे से नहीं मिलते लेकिन हम उन पर थोपते हैं। जैसा मैं हूं वैसा ही वह है, यह जानकर न किसी को मारें और न ही कोई नुकसान पहुंचाएं। जो व्यवहार हम खुद सहन नहीं कर सकते वह किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, यह बुद्ध के वचन है, कि जैसा मैं हूं वैसा ही तो दूसरा भी है। यह जानकर किसी को न मारें और न नुकसान पहुंचाएं। और नुकसान पहुंचाएं का अर्थ ही यही है, किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, किसी भी प्रकार की मानसिक हिंसा, किसी को अपशब्द कह देना, गाली दे देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, उसका अपमान कर देना, किसी के लिए घृणित शब्द और घृणित जेस्चर का प्रयोग कर देना, यह भी हिंसा है। इसे मानसिक हिंसा में कहा हम गिन सकते हैं। तो इसी तरह से बुद्ध ने समस्त प्रकार की हिंसा को न करने की सलाह दी है। इसको एक नियम बनाया कि प्राणी हिंसा से बुद्धत्व प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो प्राणी हिंसा से हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो सील का नियम है वह है, आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, यानी मैं चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम, जो भी कोई चीज जो मेरी नहीं है, कोई धन है, कोई जमीन है, कोई और वस्तु है, जो मुझे किसी ने स्वेच्छा से नहीं दी, जिस पर मेरा कोई हक नहीं है, उसको बिना दूसरे से परमिशन लिए हुए, दूसरे की अनुमति लिए हुए, उस पर अपना हक जता देना या उसको अपना मान लेना, इस बात से इसको चोरी में बुद्ध ने बताया कि यह एक प्रकार की चोरी है। चोरी का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ लूटपाट, धोखाधड़ी, छल कपट इतना ही नहीं है। मूर्ख बनाकर किसी व्यक्ति को ठग लेना, किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर उसका धन हड़प लेना, किसी व्यक्ति को चालबाजी कर मिथ्या तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना, यह सब चोरी में आते हैं। तो सील का जो दूसरा नियम है वह जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब हम किसी भी प्रकार की छीना झपटी, जानलेवा हमले,
भोजन की चोरी और लूट पाट, धन संपदा पर कब्जा कर लेना और इस तरीके से जालसाजी करके, ठगी करके, झूठ बोल के दूसरे को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाना। जैसे किसी व्यक्ति को झूठ बोल के उसका धन उसकी जेब से निकाल लेना, किसी व्यक्ति को झूठ बोल के उसको मानसिक पीड़ा देना, यह सब किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को जो एक प्रकार की चोरी है, जैसे श्रम की चोरी करना। अगर किसी काम को करने के लिए हमें कहा गया है, हम उस काम को न करें तो यह भी एक प्रकार की चोरी है। हम काम कहते हैं ना, काम चोरी कर रहा है यह आदमी, यह काम चोरी है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को पूरी मजदूरी न देना, यह अर्थ चोरी हो गई, धन की चोरी हो गई। आपने उसको 100 रुपए देने थे, आपने उसको 90 ही रुपए दिए, 10 रुपए आपने अपने पास रख लिए। इसको सुविधा शुल्क कहा जाता है आज की उसमें, कि दूसरे व्यक्ति को से अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो वह उस व्यक्ति की ड्यूटी है, लेकिन उसको पैसे देने पड़ते हैं, तब वो आपका सर्टिफिकेट निकालेगा, डेथ सर्टिफिकेट निकालेगा, बर्थ सर्टिफिकेट निकालेगा। देखते हैं सरकारी व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं, उसको कहते हैं सुविधा शुल्क। बुद्ध ने इन सभी बातों को नकार दिया। बुद्ध ने कहा यह मत करो, अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इन सब से बचना पड़ेगा। यह मार्ग बहुत कठिन इसीलिए है क्योंकि यह संसार से बिल्कुल ही उल्टा है। संसार जैसे चल रहा है वैसा यहां नहीं चलने वाला। दूसरी बात हमने करी चोरी पर, और तीसरी बात है कामेशु मिच्छादारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम। व्यभिचार यानी परस्त्री परपुरुष गमन नहीं करना, कि शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। यह तीसरा शील के ऊपर हमारी प्रतिज्ञा है, कामेशु मिच्छादारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम। सुख शांति लाने वाले इस महत्वपूर्ण सील का पालन करने के लिए किसी भी स्त्री पुरुष का गमन नहीं करना, किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध, शारीरिक संबंध से दूर रहने के लिए यह शिक्षा ग्रहण करी जाती है। व्यभिचार, एक व्यक्ति को चरित्रवान होना होता है, शीलवान होना होता है, जीवन जीने की यह शिक्षा ग्रहण करनी होती है। अवैध रूप से शारीरिक रिश्ते बना लेना, उससे बदनामी, सामाजिक बदनामी से बचकर चलना होता है, क्योंकि व्यभिचार का कभी भी परिणाम अच्छा नहीं होता। वह व्यक्ति जितना भी बचते रहे समाज से, लेकिन उसका मन सिकुड़ता चला जाता है, उसका मन काला होता चला जाता है। वह एक बहुत ही दुखमय स्थिति है, उसकी मानसिक विकृति हो जाती है। और मानसिक विकृति जब हो जाती है तो, क्योंकि वह व्यक्ति छिपकर यह सब काम करता है, और कोई भी काम छिपकर करना, अब जैसे हमने सबसे पहले दान को लिया है पारमिताओं में, दान का अर्थ ही है कि अपने हृदय को खोल देना, अपने मन को खोल देना। और दूसरी ओर शील का यह नियम है, तीसरा नियम, कि किसी भी स्त्री या पुरुष परगमन नहीं करना, किसी भी तरीके का व्यभिचार, किसी तरीके का अनैतिक अवैधिक शारीरिक संबंध नहीं बनाना। इससे मन सिकुड़ जाता है, इससे मन में विकृति आ जाती है और डरा डरा छिपा छिपा जीवन जीता है। यह भिक्षु के लिए यह जीवन नहीं। भिक्षु को इन सभी बातों को बहुत ही अपने जीवन को ऐसा बना लेना है कि वह इस संसार में रहता है कमलवत रहता है, किसी भी प्रकार की कामुक सामग्री को देखना, अश्लील सामग्री को देखना, अश्लील बातें करना, अश्लील इशारे करना, अश्लील व्यवहार करना, यह सब
कई प्रकार की कामुकता को उत्तेजित करती है। तो इन सभी बातों से हमें बचना होगा। यही तो कारण है कि एक भिक्षु का जीवन इस संसार से बिल्कुल अलग है। टेलीविजन, मोबाइल, समाचार पत्रिकाएं और इस तरीके की अश्लील पत्रिकाएं, नोवेल, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सील के नियमों को बहुत गहरे में अपने हृदय में उतारना है। अगर उसने बुद्धत्व के मार्ग पर चलना है, क्योंकि बुद्धत्व का मार्ग, जैसे पहले ही कई बार हमने बात की है कि बुद्धत्व का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, वह समाज और संसार से बिल्कुल ही अलग है। संसार में तो सुबह से शाम तक टेलीविजन चलता है, एक खबर को 2400 घंटे इस तरह से दिखाया जाता है ताकि वह उस व्यक्ति के मन पर इस तरीके से बैठ जाए कि वह फिर चाहे भी तब भी न निकल पाए, इतना उसको घुमाया जाता है। लेकिन भिक्षु का जीवन ऐसा नहीं। भिक्षु का जीवन तो 2400 घंटे सिर्फ एक काम में लगा हुआ है, बुद्धत्व की राह पर चलना और अपने आप को देखते रहना, अपनी सांसों को देखते रहना, अपने शरीर और मन पर क्या चल रहा है, 2400 घंटे अपने मन की निगरानी करना, माइंड योर बिजनेस जिसको कहते हैं, वॉच योर माइंड। वह तो 2400 घंटे अपनी प्रैक्टिस में लगा है, अपनी साधना में लगा है, उसके लिए यह बातें नहीं है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए एक भिक्षु को या जो भी इस मार्ग पर चलना चाहता है। चौथी बात है, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समापियाम, मैं झूठे वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मिथ्या, झूठा वादा, झूठ बोलना, झूठ यानी जो विचार सत्य नहीं है, झूठी बात एक प्रकार का धोखा है, समाज को धोखा देने से प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा को बना लेना या धोखा देकर धन कमा लेना या झूठी गवाही दे देना या अवैज्ञानिक और अंधविश्वासपूर्ण बातों को फैलाना। आदतन लोग झूठ बोलते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व उसमें दिखाई देता है। सोचो आप रोज इस बात को महसूस, चलते चलते इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए जा रहा है, पब्लिक प्लेस में, कहीं मेट्रो में खड़ा है, कहीं बस में खड़ा है, कहीं अस्पताल के बाहर खड़ा है, कहीं जहां भी खड़ा है, लेकिन जोर जोर से बात करता है, मैं अभी तो यहां हूं और आप देख रहे हैं कि आपके बगल में खड़ा है कहीं और, लेकिन बताता है कि मैं भी कहीं और हूं, कहीं दूसरे दूसरे स्टेट में हूं, कहीं दूसरे शहर में हूं, कहीं दूसरी जगह पर हूं। इससे इस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी पता चलती है, यह व्यक्ति झूठा है। लेकिन कितनी आसानी से समाज में यह बात चलती है। आप रोज, मैं आपसे कहता हूं कि आप घर से बाहर निकल जाइए, किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप निकलें तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे और आप उस व्यक्ति को देखेंगे कि वो बिल्कुल टाई पहने हुए है, टिप टॉप है, अच्छी सी खुशबू भी सेंट उसने डाली हुई है, कहीं ऑफिसर भी हो सकता है। लेकिन जब वो बात करता है तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह चौथी बात, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समापियामि, मैं झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा लेता हूं। और बुद्ध कहते थे कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य, यह तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी छुपी नहीं सकती। कहां छुपाओगे? सूर्य को कौन छुपा पाया है, चंद्र को कौन छुपा पाया है? इसी तरह सत्य आज नहीं तो कल सामने आ जाता है। वह व्यक्तित्व तो उस व्यक्ति का आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, जो आज पब्लिक प्लेस में बहुत
ऊंची आवाज में फोन पर यह कह रहा है कि वह अभी यहां है या उसने अभी यह कर दिया, जबकि करा नहीं है। फोन पर कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को पता चलता है बाद में कि काम तो हुआ ही नहीं। तो यह सब बातें कहने का अर्थ है कि एक भिक्षु का व्यक्तित्व तो बहुत ही सीधा सादा और साफ होता है। वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एक शीशे की तरह साफ। यही तो उसने करना है, इसीलिए सील को जिसने पालन कर लिया उसका जीवन वैसे ही बहुत बदल चुका होता, वो संसार से वैसे ही बहुत आगे निकल चुका होता है। पांचवी बात, सूरा मेरी मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्रवाद पदम समाधियाम, यानी मैं शराब मदिरा नशा किसी भी प्रकार की प्रमादकारी चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। सूरा मेरी मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्र वापदम समाधियामि, किसी भी प्रकार का नशा, शराब हो, अल्कोहल हो, किसी प्रकार का अर्क हो, तमाकू हो, अफीम हो, कोई सूंघने की वस्तु हो, आज के समय की बात करें तो गुटखा है, सिगरेट है, तमाकू है, और दुनिया भर के ड्रग्स आ गए हैं, ये सभी प्रकार की नशीली चीजें, वह नशीली चीजें जो माइंड अल्टरिंग है, जिससे माइंड पूरी तरह से प्रमाद में चला जाता है। मनुष्य को किसी भी प्रकार के नशे की जरूरत नहीं है। क्या आप देखते नहीं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्या उसका जीवन कोई गलत है? क्या उसको कोई, उसका मन या उसका दिमाग कोई कम काम करता है? लेकिन समाज में बहुत बुरी तरह से यह चीजें स्वीकार कर ली गई हैं। तमाकू तो मैं तो ऐसे भी लोगों को देखता हूं जहां घर में तमाकू को बांट कर खाया जाता है, बाप भी ले रहा है, मसल रहा है तो बच्चे को भी दे रहा है, और कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखे बहुत ही छोटी बस्तियों में, जहां जहां भी मैंने यात्राएं की हैं, कि वहां तो औरतें भी, आदमी भी, बच्चे भी, सभी उस चीज को बहुत आदतन, और वो ऐसे ही चलता है जैसे घर में चाय चलती है या किसी तरीके का खाना चल रहा है या किसी तरीके का और चीजें बांटी जाती है, वैसे बांट कर खाते हैं। वो एक आदत हो गई है, एक जीवन जीने का तरीका हो गया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु के लिए तो यह चीजें निषेध है, इससे मन बहुत बुरी तरह से विकृत हो जाता है, और इतना विकृत हो जाता है कि उसके बाद वह उसका अप्रमाद में आना कितना मुश्किल का काम है। सोचो, एक व्यक्ति को आदत पड़ गई है, 20 साल 30 साल से वो आदमी गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तमाकू खा रहा है, जबकि यह नशे को तो समाज में स्वीकार है, सरकार इससे बहुत पैसे कमाती है, और आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, आप रोड पर चलने लगो, आप रोड पर चल नहीं सकते, आपको अगर देखकर चलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चलना, यह हालत है, इतनी आपको पीक तमाकू की, गुटखे की दिखाई देंगी। तो यह तो बहुत, और यह तो मैं आपको ऐसे शहर की बात कर रहा हूं जो इस देश की राजधानी मानी जाती है, तो और शहरों में तो क्या होता होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन यह जो जीवन है यह प्रमादवत है, यह भिक्षु का जीवन नहीं, यह उस जिज्ञासु या उस साधक का जीवन नहीं जिसको बुद्धत्व के मार्ग पर चलना है, जिसने प्रण कर लिया है, जो साधना में आ गया है, जो विपस्सना में आ गया है, उसके लिए यह जीवन नहीं। तो इस बात को उसको बहुत गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। यह पांचवा शील का नियम है, सूरा मेरी मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्रवा पदम समाधियाम। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं किसी प्रकार का नशा, शराब या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। बुद्ध कहते थे
कि तुम्हें शेर, तलवार या अग्नि का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। लेकिन शराब व अन्य नशे से हमेशा डरना, क्योंकि यह समस्त बुराइयों की जड़ है। देखो बुद्ध के वचन, यह बुद्ध के वचन मनुष्य के जीवन के लिए, जीवन बदलने के लिए बहुत ही मूल्यवान है। हे मानव, तुम शेर, तलवार, अग्नि का सामना करने से भी मत डरना, इतना साहस रखना, तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। लेकिन कभी भी शराब व किसी भी प्रकार के नशे करने का साहस मत करना, क्योंकि यह समस्त बुराइयों की जड़ है। बुद्ध के यह वचन मनुष्य की जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी वचन हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने, क्योंकि नशे करने के बाद, देखो ना, नशे करने के बाद नशा कहाँ से, एक जवानी का एक जोश होता है उसमें, मैंने देखा है खड़े होकर वो इतने सीना तान कर, और इस स्थिति, इस उनकी जो मुद्रा होती है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको अगर आप देखें कि वह सिगरेट हाथ में पकड़े हुए पब्लिक प्लेस में किसी चाय की दुकान पर या किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर कितने शौक से सिगरेट का धुआं और उसके छल्ले उड़ा रहे होते हैं, उनको यह भी होश नहीं कि कोई और व्यक्ति भी यहां से गुजर रहे हैं जो नहीं पीते होंगे। और एक तरफ से हम पॉल्यूशन से इतना परेशान हैं, पूरे संसार में पॉल्यूशन के ऊपर कितने बड़े 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 वो कार्यक्रम चल रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, देशों की मीटिंगें हो रही हैं, उस पर अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। और वह पॉल्यूशन जो पैसिव है, जो आप कर भी नहीं रहे हैं उसके बावजूद आपको लेना पड़ रहा है, और यहाँ तो आदमी एक्टिव, वह उस धुएं को अंदर ले रहा है। और वह एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, वह एक देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हो सकता है, और वह एक देश का मजदूर भी हो सकता है। सोचो, सोचो मनुष्य की स्थिति कहाँ है, मनुष्य कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन जीवन तो चल रहा है ना, देश भी चल रहा है, वह व्यक्ति देश चलाता है। एक सिविल सर्वेंट के ऊपर पूरे देश का दारोमदार होता है, एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर, एक मजदूर के ऊपर देश का दारोमदार होता है, वह खेतों पर काम करता है लेकिन बहुत आसानी से करता है, लेकिन प्रमादवश करता है। अब सोचो कि वह मन कैसा होता होगा, बुद्ध की चेतना कैसी होगी, बुद्ध का चित्त कैसा होगा, क्या हम कल्पना कर पाएंगे? हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे बुद्ध के चित्त की। तभी तो वह बहुत दूर से देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, वह बहुत दूर से देख लेते हैं उसके उन सब संस्कारों को, कितनी संस्कारों की मैल उसके ऊपर चढ़ी हुई है। तभी तो कहते हैं कि मैं तो कई जन्मों से देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि पुराने जन्म में यह व्यक्ति क्या था और इस जन्म में इसकी क्या दुर्गति हो रही है। यह बुद्ध देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कितनी परत हमने लगा ली है, कितना प्रमाद, कितने गहरे प्रमाद में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या हम कल्पना कर पाएंगे? इसी बात से कल्पना करो कि एक व्यक्ति नशा करता है जिसको बुद्ध ने इतना गंभीर बताया कि तुम शेर के सामने साहस दिखाना, तलवार के सामने साहस दिखाना, आग के सामने साहस दिखाना, लेकिन नशे से हमेशा डरना, क्योंकि यह सभी बुराइयों की जड़ है। और सोचो, नशा करने वाला व्यक्ति देश चला रहा होता है, पूरा देश चला रहा है, इतने प्रमादवश जीवन में भी एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को का अनुयायी होता है और जीवन चल रहा होता है, देश चल रहा होता है। लेकिन बुद्धि इसको जीवन नहीं मानते, बुद्धि इसको प्रमादवश जीवन कहते हैं।
तो हमें इन बातों पर बहुत गहरे से मनन करना चाहिए, क्योंकि यह पांच बातें शील की जिन पर हमने बात करी है, यह मनुष्य के किसी भी साधु के जीवन की शुरुआत है। यहीं से उसकी प्रतिज्ञा शुरू होती है और यहीं से उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास शुरू होता है। तो हमने दो बातों पर आज बात करी है। पहली बात हमने बात करी कि दान, और दूसरी बात हमने करी कि किस तरह से एक व्यक्ति को शील के नियमों का पालन करना होता है। यह 10 पारमिताओं में दो पर हमने आज बात करी है, दान और शील, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं 10 की बात एक साथ करने लगूं, इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में बात करूंगा। तो आज सिर्फ दान और शील को हमने गहरे में ही विचार किया है, आगे हम इस पर फिर विचार करेंगे। हमें बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में, इन शील के नियमों को, और दान पारमी और शील पारमी जिस पर हमने बात करी है, बहुत गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए, क्योंकि हम एक साधक हैं, क्योंकि हम एक भिक्षु हैं, क्योंकि हम एक जिज्ञासु हैं। हमने प्रण लिया है कि हम बुद्धत्व के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम निर्वाण तक पहुंचना चाहते हैं, हम इस जीवन को सफल करना चाहते हैं। यह जीवन बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जन्म, क्योंकि यह जन्म सबसे उच्च योनि है, ये समस्त योनियों में सबसे उच्च योनि है, शिरोमणि है। इसलिए हमें इसका पूरा उपयोग कर लेना है, और पूरा उपयोग हम कब कर पाएंगे, जब हम 10 परफेक्शंस में खरे उतरेंगे, हम बुद्धत्व तक पहुंच जाएंगे। तो आज हमने दो की बात करी है, इसको हम फिर जारी रखेंगे, और बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अंदर बैठाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और इस मनुष्य जन्म को सफल करने में अपनी तरफ से जी जान से प्रयास करना है।